एक बार सब मुझे बताएंगे कि एम आई एम आई ऑडिबल एंड एम आई विजिबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पूरे सेशन का होता है कि क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है दैट्स वन बिग क्वेश्चन उसके बाद बाकी सारे सवालों की तरफ पढ़ेंगे आज के एक सेकेंड मी शेयर दी लिंक गेस आई एम लाइव नाउ हाई एवरी वन आज हम पाँच मिनट पहले ही लाइव आ गए हैं क्योंकि क्योंकि हमारा मन कर रहा था इसलिए क्योंकि आई वॉन्टेड टू नो कि आप सबके बोर्ड्स का एग्ज़ाम आज कैसे गया बिकॉज यू हैड योर बोर्ड्स एग्जाम राइट एंड जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से इट वॉज़ क्वाइट ईजी एंड मेरे हिसाब से तो तुम्हें पैंतीस में से पैंतीस स्कोर करना चाहिए पर मेरे हिसाब से आप स्कोर करते नहीं है ना पॉइंट भी तो यही है मेरे हिसाब से चीज़ें चलने लगे तो बस फिर तो बेटे मजे ही आ जाएं एनीवेज लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू जॉइन पहले तो सब जॉइन कर लें उनको पता भी नहीं है कि क्लास इतनी जल्दी तुम्हारी दीदी ने आज शुरू कर दी है बट एल जस्ट कॉल देम आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्या स्टीरियो केमिस्ट्री यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है तो तुम अंधों में काना राजा की तरह वहाँ पे एक्ट करोगे क्योंकि तुम्हें कुछ तुम्हें जो मेन चीज़ें हैं वो पता हैं लेकिन तुम्हें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पता एंड वन मोर थिंग आपका आर एन एस और ई e और जेड कॉन्फिगरेशन आपकी कैंसिल आउट हो रखी है इफ़ यू नो दिस थिंग कितने लोगों को पता है एक बार चेक भी कर लेना बिकॉज एक्सक्लूडेड है आपके सिलेबस में यानी आर एस और ई e, और जेड कॉन्फिग्रेशन यानी बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला आपका कम्बस्चन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मोनोसाइक्लिक बाई फंक्शनल आपके ये ये वाला पार्ट जो है ना एक्सक्लूडेड ये वाला पार्ट सब इंक्लूडेड है वहाँ पे इन सबको मत छोड़ के आ जाना देखो एक्सक्लूडेड को सिर्फ इसमें मार्क कर रखा है वहाँ पे पता चले सब रीड कर रहे हैं एक्सक्लूडेड में पूरा पूरा पैराग्राफ आपका आर एस ई एन जेड आपका कॉन्फिग्रेशन जो हम निकालते थे स्टीरियो में कि आपकी कायरलिटी वाला कंसेप्ट की हाइयर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी फिर अगर घूमेगा एंटी क्लॉक वाइज तो एस ऐस, ऐसे घूमेगा तो आर ये सब आपका कैंसिल है तो वी वोंट बी स्टडिंग दिस प्रॉपरली हमें जो मेन चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ फिर विल स्टार्ट सेशन अकॉर्डिंगली हाय 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 एवरीवन हेलो जी हेलो हेलो मैं सबका लाइव चार्ट देख लेती हूँ आज तो हम पाँच मिनट उनसे बात कर सकते हो बिकॉज देर इज स्टिल टाइम फॉर दी सेशन टू स्टार्ट सेशन को शुरू होने में समय है बिकॉज there... हाँ मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ इस सिलेबस में आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो केमिकल रिलेशनशिप जैसे कि इन और डायास्टीरियोमर्स आपके सिलेबस में है आपके टू एसीमेट्रिक सेंटर वाले यानी अगर आपके पास ये दो केसेस वाले आए जहां पे आप मीजो फॉर्म पढ़ते हैं यानी आज जो मैं आपको सिखाने जाऊंगी वो मैं सिखाऊंगी पहली चीज आपका बेसिक पहले तो हम शुरू ही कॉन्फर्मेशन से करेंगे उसके बाद विल जंप टू तो स्टीरियो क्योंकि कॉन्फर्मेशन इन स्टीरियो कॉन्फर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियो लेकिन तब भी आपकी स्टीरियो की जो इनमर डायास्टीरियोमर वाली होती है वो अलग होती है और ये जो कॉन्फर्मेशन एनालिसिस मैं आपको प्रॉपरली करवाने वाली हूँ न्यूमन प्रोजेक्शन फिस्टर प्रोजेक्शन ये सब आपके थोड़ी डिफरेंट है तो दीस टू हैव हाँ अ डिफरेंट अप्रोच पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे कॉन्फर्मेशन एनालिसिस को एंड देन मूव टू आर बेसिक स्टीरियो के कितने सेंटर होते थे क्या होता है मीजो फॉर्म क्या होता है डाया क्या होता है बट यू हैव टू फॉलो मी थ्रू आउट ऐसा नहीं है कि आज का सेशन कॉन्फर्मेशन अनालिसिस के ऊपर देख लिया और फिर अगले दिन नहीं देखा एंड इफ यू वॉन्ट दिस पी डी एफ यू कैन टेक दिस पी डी एफ फ्रॉम मी ऑल्सो मैं तुम्हें ये पी डी एफ शेयर कर दूंगी रात को दस बजे के सेशन में जहाँ पर आज हम क्या करेंगे कॉर्डिनेशन के क्या करने वाले हैं क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री विल बी स्टार्टिंग विद ऑल दी क्वेश्चन जो आपके जेई मीनस में आ सकती है ठीक है शुरू करें फिर सेशन को जल्दी से बताएंगे सब एक बार फटाफट -फड़ सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है नहीं करना तो तुम्हें तो पता ही है कि मेरे तुम्हें लिंक मिल जाते हैं बट कर दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट स्टार्ट विद दिस सेशन जो थोड़ा जल्दी आए हैं उन्हें थोड़ा बढ़िया हाँ आर एस जेई से रिमूव्ड है बट आई स्टिल वांट एक बार आप फिर भी अपडेटेड सेक्शन में चेक कर लें क्योंकि वैसे तो आर एस और ई e और जेड एक्सक्लूडेड पार्ट में ही था एम अगेन टेलिंग यू इट इज़ नॉट अबाउट कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं। it is about कि नहीं इट इज़ अबाउट ये आपके जेई के सिलेबस में है और अगर जेई के सिलेबस में है और एग्जामिनर का दिमाग घूमा और उसका मन करा तो वो डाल देगा और अगर उसने डाल दिया तो तुम तब क्या करोगे अगर उसने पेपर में ये टॉपिक डाल दिया तुम तब क्या करोगे इट इज नॉट अबाउट कि दीदी तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है ये तो कभी आता है कभी नहीं आता इट्स अबाउट ये तुम्हारे सिलेबस में है अब अगर तुम्हारी इच्छा है तुम छोड़ के चले जाओ अब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम मत छोड़ के जाओ थर्मोडायनामिक्स भी तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोलते हो मैं भी देखती हूँ जरा कितने आते हैं थर्मो डायनामिक्स के क्वेश्चन जी मेज में इट इज ऑल अबाउट जो आना है वो आना है तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाओ अच्छे से ऑल आई एम इज कि किसी टॉपिक में इतना ज़्यादा भी मत घुस जाओ कि भैया सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो है ना अगर किसी चीज़ को सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और किसी चीज़ को सिलेबस से कम पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ना है तो जो सिलेबस में आ रहा है वो पूरा पढ़ लो भाई है ना उसके बाद अपनी पूरी क्यूरसिटी आप अपने कॉलेज में दिखाना वहाँ पे प्रोफेसर्स को बोलना भैया पढ़ाओ हमें चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन अब ज़्यादा बातचीत की तरफ बढ़ते नहीं हैं एंड लेट्स मूव टू और मेन टॉपिक सेकेंड हम्म चलिए बड़े हम्म सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ दैट इज कॉन्फर्मेशन एक सेकेंड रुको आपकी लाइव चार्ट को जरा साथ में लगा लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन जितनी भी हो

एक बार मेरा नेल आगे है ये भी एक कॉन्फर्मेशन है तो कॉन्फर्मेशन एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब कुछ सेम है बस रोटेशन पे डिफर कर जाता है यानी अगर ये मेरा सिग्मा बॉन्ड है और एक को मैंने रोटेट कर दिया और दूसरे को मैंने अलग डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो वो कॉन्फर्मेशन दिखाएगा तो पहला ही सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि क्या डबल बॉन्ड वहां पर कॉन्फर्मेशन एनालिसिस दिखा सकते हैं अब आप एक बात देखो डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपके कार्बन के क्या पी और बाइटल्स का इस्तेमाल होता है हाँ जी होता है तो अगर अब आप इसको घुमाओगे लेटस्ट सपोज आपने घुमाया तो घुमाने के लिए ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं ऐसे टक 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 ये तो बॉन्ड टूट जाएगा और अगर बॉन्ड टूट गया तो आपने पाए बॉन्ड ही गायब कर दिया इसीलिए जो भी कॉन्फर्मेशन एनालिसिस यानी जितने भी हम कॉन्फर्मेशन पढ़ेंगे स्टीरियो में वो केवल और केवल कौन दिखाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स दिखाते हैं क्यों क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर क्या होती है हेड ऑन हेड कोलिजन यानी हेड ऑन हेड ओवरलैप होता है तो यहाँ पे अगर मैं घुमाऊंगी तो ये दोनों साथ साथ ही घूमेंगे इन्हें टूटने की जरूरत नहीं है क्या ये बात समझ आई वी फाइंड दैट दी सिग्मा बॉन्ड्स ज्वाइनिंग दी कार्बन एटम दी दी ऑफ टू कार्बन न्यूक्लिया इसीलिए दोनों दोनों के दोनों जुड़े होते हैं कोई पी और बाइटल कोई आउट ऑफ दी प्लेन वहां पर ओवरलैप नहीं होता है तो आप वहां पे इजीली घुमा सकते हैं क्या इतना पॉइंट सबको समझ आया कि नहीं आया कॉन्फर्मेशन एनालिसिस इज इट क्लियर कि हम सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर ही कॉन्फर्मेशन एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं अब सिंपल सा कंसेप्ट है आप ध्यान से देखोगे तो 120 डिग्री के एंगल पे बन रखे हैं कि नहीं बन रखे यहाँ पे अगर आप एक कंसेप्ट देखोगे कार्बन कार्बन और ये जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि हर बॉन्ड को इन्होंने 120 डिग्री तो के एंगल पे बना के दिखा रखा है कॉन्फर्मेशन जब आप करेंगे तो आप 120 डिग्री तो के एंगल पे यहाँ पे बनाएंगे जैसा कि आपके पास इथेन है इथेन आप ऐसे लिखते हैं कि नहीं निकलते सी एच थ्री सी एच थ्री सिंपलेस्ट केस तो आपने क्या लिया यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन दिखाएंगे वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि वो 120, 120, 120 के एंगल पे आपको दिख रहे हो क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ इफ यस देन लेट मी नो कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ अगर क्लियर हो गया तो फिर बढ़ते हैं कन्फर्मेशंस होती क्या है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दो एटम्स हैं आपके सामने दो एटम्स को आप किस तरह से घुमा सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के तरह डिफरेंट डिफरेंट में उन्हीं को आप क्या बोलोगे बेटा कन्फर्मेशंस अब कन्फर्मेशंस तो हजार गुना की हो सकती हैं मान के चल लो तुम्हारे पास एक 1 सेकंड तुम्हारे पास ये रास्ता है तुम्हारा घर ये तुम्हारी ट्यूशन अब तुम क्या कर सकते हो घर से सीधा ट्यूशन भी जा सकते हो या गोलगप्पे खाते हुए जा सकते हो या अपने किसी स्पेशल फ्रेंड के घर के थ्रू होते हुए इसके घर के सामने से गेड़ी मारते हुए जा सकते हो तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ वे बाय विच यू कैन रीच है ना अब तुम दिल्ली से घूम के भी अपनी ट्यूशन पहुंच सकते हो तो एक ही रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं सिमिलरली सिग्मा बॉन्ड के अगर मैं लॉन्ग रोटेशन कराऊं तो वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री करके घुमा के भी मैं सबको घुमाऊं ऐसे बॉन्ड को ऐसे टक 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 करके घुमाऊं तो क्या होगा यहाँ पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इन्फाइना पॉसिबल है कि नहीं है तो क्या सारे के सारों को मैं कॉन्फर्मेशन एनालिसिस के अंदर पढ़ू एक डिग्री पे एक कॉन्फर्मर दूसरे डिग्री पे दूसरा कॉन्फर्मर ऐसा तो नहीं होता ना तो विल बी स्टडिंग पर्टिकुलर केसेस तो वो क्या बोला उसने कन्फर्मरस क्या होते हैं देर आर इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स क्या होती हैं देर आर लेकिन आपके वही कॉन्फर्मेशन को कॉन्फर्मर बोला जाता है जिनके एनर्जी मिनिमम हो यानी कि अगर मैंने ये आपके पास सिस्टम था इस सिस्टम को मैंने कार्बन कार्बन का एक सिस्टम था यहाँ घुमाया तो मैंने कुछ इस तरह से सेटअप करा कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच का इंटरेक्शन बहुत कम है यानी यहाँ पे नहीं हो रही है यानी ये दोनों खुशी खुशी बैठे हैं एक दूसरे के साथ प्रेजेंस में कोई किसी की स्पेस के अंदर इन्वेड नहीं कर रहा है यानी ये कॉन्फर्मेशन स्टेबल हुई कि नहीं अब एक को मैंने ऐसे घुमाया दूसरे को भी ऐसे घुमाया कि दोनों के हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करने लग गए तो फिर तो ये आपकी कॉन्फर्मेशन स्टेबल नहीं हुई ना तो हम कॉन्फर्मर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम वही पढ़े जो मिनिमम एनर्जी के हो यानी जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो क्या आपको समझ आई नोट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन आर कॉल्ड ए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बी रोटेशनल आइसोमर्स सी ओनली ए डी बोथ ए एंड बी तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर था कन्फर्मर्स आपके रोटेशन

जैसे कि अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना एक स्ट्रक्चर है कॉन्फर्मेशन का कार्बन कार्बन को घुमाया तो इसकी ये कॉन्फर्मेशन मान लो सबसे स्टेबल थी सबसे स्टेबल थी तो मान लो सबसे स्टेबल हो गई और फिर इसी मैंने इथेन की एक कॉन्फर्मेशन बनाई यानी घुमाया तो जब मैं घुमा रही थी तो मैंने देखा भाई साहब ये तो सबसे अनस्टेबल है तो अनस्टेबल से स्टेबल जाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसी को ही कॉन्फर्मेशनल एनर्जी बोलते हैं क्यों क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कॉन्फर्मर्स क्या होते हैं कन्फर्मर्स आपके वो वाले कॉन्फर्मेशन होते हैं जो सबसे स्टेबल एनर्जी में होते हैं हम उन्हीं केसेस को पढ़ते हैं अब मान के चलो तुम्हें एग्जाम में कोई एक ऐसी कॉन्फर्मेशन दे दी जो कि स्टेबल नहीं है तो कॉन्फर्मेशनल एनर्जी क्या होगी वो एनर्जी जो मुझे उस सिस्टम को देनी पड़ेगी ताकि वो कन्फर्मर बन जाए यानी वो क्या बन जाए एक स्टेबल स्पीशीज बन जाए क्या ये बात समझ आई यानी रोटेशन 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 बैरियर, बैरियर बैरियर होगा ये, इस को मैं क्रॉस करूंगी, तो मैं उस कंफर्मेशन के अंदर पहुंच जाऊंगी क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको रोटेशन बैरियर का कंसेप्ट समझ आया कन्फर्मेशनल एनर्जी सबको समझ आ गई क्या होती है दोबारा याद करेंगे द रोटेशनल एनर्जी बैरियर कितना पैसा मुझे लगाना पड़ेगा कि ये स्टेबल कॉन्फर्मेशन में यानी इतनी रोटेशन मुझे करानी पड़ेगी सिस्टम की 60 डिग्री या 180 डिग्री कि ये कॉन्फर्मेशन में आ जाए इसको बोलेंगे हम कन्फर्मेशनल एनर्जी इतना पॉइंट क्लियर हुआ फिर आती है कन्फर्म कॉन्फिगरेशन वर्सेज कॉन्फर्मेशन दिस इज समथिंग यू नो कॉन्फिगरेशन ऑन कॉन्फर्मेशनल मुझे आपको बताने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए अभी हम कन्फर्मेशनल पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं अब आई एम गोइंग टू कम ऑन टू दी प्रोजेक्शन अब किस तरह से आप इन सिस्टम्स को प्रोजेक्ट आउट कर सकते हैं किस तरह से इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो ध्यान से समझना जो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखाने वाली हूँ राइट लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपका केस um, ले लेते हैं इथेन का ही आपके पास पेपर में होगा स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूँ सी एच थ्री सी एच थ्री लिया ठीक है एक कार्बन को यहाँ पे मान लिया डॉट दूसरे कार्बन को यहाँ मान लिया डॉट अब इस कार्बन को आपने एक हाइड्रोजन 120 डिग्री के एंगल पे बनाया जब दूसरा बनाओगे तो हमेशा उल्टा वाई बनाना क्या इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन थे तो मैंने इन तीन हाइड्रोजन्स को ऐसे लिख दिया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तीन हाइड्रोजन्स को मैंने उल्टी तरह से लिख दिया इसी को क्या बोलते हैं सोहॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं समझे सोहॉर्स प्रोजेक्शन क्या होती है सोहॉर्स प्रोजेक्शन होती है सिंपली आप पुटअप कर दो जैसे कि एक थोड़ा हार्ड केस ले लेती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए अरे यार फिर कल यही चीज करी थी मैंने कोई बात नहीं हम्म एक सेकेंड हम्म हम एक केस लेते हैं थोड़ा अच्छा सा जिससे आपको सोहर्स प्रोजेक्शन बनानी आ जाए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन ठीक है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू और सी एच थ्री अब तुमने कहा मुझे केस बना के दिखाओ वन और टू के बीच में तो ये कार्बन वन था इसको माना मैंने कार्बन वन डॉट ये कार्बन टू है ये कार्बन टू इनके बीच में मैंने बना दिया सिग्मा बॉन्ड अब फर्स्ट कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है तो 120, 120, 120 बीस पे मैं तीनों के तीनों हाइड्रोजन को क्या कर दूंगी सेटअप कर दूंगी फिर मैं देखूंगी ध्यान से कि इस वाले कार्बन के पास यानी सेकंड कार्बन के पास क्या है दो हाइड्रोजन है पहली बात मैंने उल्टा लगा दिया सब कुछ लगा दिया अब उल्टा लगा दिया उसके बाद मैंने देख लिया एक तरफ इथेन है तो ये लो मेरा इथेन सिस्टम लग गया और बाकी दो तरफ मेरे हाइड्रोजन है तो मैंने इस तरह से आपका सिस्टम बना दिया नहीं दिस इज योर सोहर्स प्रोजेक्शन और बताओ कंफ्यूजन हो तो ये लो मैडम इनको 1 और 2 मान लो अगर इनको 1 और 2 मानूंगी तो ये दो कार्बन मेरा सिस्टम कहलाएंगे कुछ इस तरह से फिर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है एक लगा हुआ है CH3 पहले मैंने बना लिया सिस्टम इस तरह से बनाया एक लगा हुआ है CH3 ये रहा CH3 और बाकी दो क्या है हाइड्रोजन की नहीं हाइड्रोजन इसमें भी एक तरफ सी एच थ्री ये रहा सी एच थ्री बाकी दो तरफ क्या है हाइड्रोजन की नहीं तो इस तरह से आप सो हॉर्स प्रोजेक्शन इजीली बना सकते हैं जो दो कार्बन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनको डॉट की तरह रखिए और अपनी मदरलिंग स्टिंग पे जाइए और कहिए कि मैं तो चाहती हूं कि स्टेबिलिटी और जहां स्टेबिलिटी होगी वहां पर आप अपने आप ही सी एच थ्री सी एच थ्री को दूर बिठाना शुरू कर देंगे क्या आपको ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया क्लियर है आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू इफ इट्स क्लियर देन लेट्स मूव फॉरवर्ड अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया अब सो हॉर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनता है ये समझना बहुत ज़रूरी है आप सो हॉर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बना सकते हैं अगर मुझे सो हॉर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन की तरफ बढ़ना है तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ ये पैटर्न कैसे सॉल्व करते हो यहाँ से देखो ये आंख बना रही हूँ मैं ये हमारी बिग बॉस की आंख है बड़ी सुंदर सी बनाऊंगी मैं बताओ ब्लू कलर की आंख चाहिए कि हरी रंग की आंख चाहिए बताओ विच इज योर फेवरेट कलर आईज में हम वही कलर आइज को देंगे फिर हम वहां से देखेंगे बताओ भाई फेवरेट कलर बता दो अपनी आँख का कलर कलर विच कलर हम वही कलर की आंख बनाएंगे जो सबसे पहले ब्लू सिंड्रेला कह रही है हमारी ब्लू चलिए फिर ब्लू आइज बनाते हैं ब्लू आइज हिपनूसरी कर दी मैनू तो चलो यहाँ से जब आपने देखा तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है ये कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा यानी अगर मैं इस तरफ से देख रही हूँ तो मुझे ये कार्बन दिख रहा है लेकिन उसके पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा इस तरह से देखना ये कार्बन दिखेगा उसके पीछे का कार्बन नहीं दिखेगा तो जो कार्बन दिख रहा है मैंने उसको क्या ले लिया बिंदु की तरह ठीक है ये कार्बन है अब इसके ऊपर क्या है उल्टा वाई उल्टा वाई है तो मैंने ऐसे उल्टा वाई चिपका दिया इसके ऊपर अब जो इसके पीछे वाला कार्बन है उसको आप क्या बनाओगे सर्कल पीछे वाले कार्बन को बनाओगे सर्कल और उसकी तरफ बना दोगे सीधा वाई क्या बना दोगे सीधा वाई कन्वर्ट हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन में पता ना जरा कितना मुश्किल लगा जो पहला कार्बन है वो आपको दिख रहा है उसको बनाओ आगे जो पीछे वाला कार्बन है उसको बनाओ सर्कल इसी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग न्यूमेन प्रोजेक्शन इसी प्रोजेक्शन के अंदर की हम सारी स्टेबिलिटी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं अभी पहले बताओ आपको सोहर से न्यूमेन प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्जन समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया ये तो आसान निकला है बहुत आसान है अभी मैं तुम्हें ऐसे सारे इनैंशियोमर्स डायास्टीरियोमर्स मिरर इमेजेस सब समझा दूंगी तुम्हें सब अच्छे से आ जाएगा बस बदतमीज से पढ़ लो और ये मत बोलो कि तेज कराओ कि धीरे कराओ क्योंकि वो मुझसे नहीं होता मेरे को जितनी स्पीड लगती है मैं उसी स्पीड के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाऊंगी बेटा सो हॉर्स न्यूमन प्रोजेक्शन अच्छे से समझ आ गया हाँ जी आ गया समझ तो भी एग्जाम्पल्स लेके करते हैं ना ये लो इसी का केस ले लो इसी को बना के दिखा दो इसी को बना के दिखा दो हम यहाँ पे गए हमें यहाँ से दिख रहा है यहाँ से हमें क्या दिख रहा है यहाँ से हमें दिखा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए यहाँ पे मुझे दिखा पहला कार्बन पहले कार्बन पे उल्टा वाई उल्टा वाय तो तीनों के हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए पीछे वाला दिखा पीछे वाला है सर्कल सर्कल में उल्टा वाई नहीं है सीधा वाई है तो ये रहा सी एच टू सी एच थ्री ये रहा एच ये रहा एच बताए ना इससे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन और आपकी सोहर्स हॉर्स प्रोजेक्शन में आपके हॉर्सेज यानी घोड़े खुल जाते थे कि नहीं खुल जाते थे अब आई गेस बनाना काफ़ी आसान लग रहा होगा आपको है ना सेकेंडों में बन जाएगा अब कोई भी आया तो यू कैन डू इट इट्स ये सबसे टफेस्ट है तुम्हारे सिलेबस में तीन ही केस हैं एक है तुम्हारा इथेन एक है तुम्हारा ब्यूटेन बस

और ये जो कार्बन है ये कार्बन की पहली हाइड्रोजन ऊपर वाला कोई भी सिस्टम और दूसरे कार्बन का दूसरा यानी इनके बीच में एंगल क्या होता है एक कार्बन के एक्स में और दूसरे कार्बन के वाई में एक कार्बन के एक सब्सटीटूंट में और दूसरे कार्बन के दूसरे सब्सटीटेंट के बीच में जो एंगल होता है उसी को ही क्या बोलते हैं डाई हीड्रल एंगल ये जो पहला वाला बिंदु आपको दिख रहा है ये आपका पहला कार्बन था कि नहीं था और ये जो पीछे दिख रहा है ये दूसरा ये इसका और ये इसका इसके बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं डाई एंगल सी सी बॉन्ड के बीच के जो कार्बन कार्बन के साथ सब्स्टिटुएंट होते हैं उन्हीं को डाईड्रल एंगल बोलते हैं क्या आपको अब समझ आ गया व्हाट इज डाई एंगल डाईड्रल एंगल आप सो हॉर्स में नहीं पढ़ सकते आपको न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर ही डाई एंगल को अच्छे से समझना पड़ेगा ठीक है हाँ जी डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेट कार्बन अब तुम इंग्लिश हाई रख सकते हो तो बताओ मैं क्या करूँ फिर हु समझना चाहते हैं इसको स्टैगर्ड एंड एंडस््यूब बच्चे कह रहे आधे इंग्लिश आधी हिंदी कैसे क्योंकि तुम्हारी दीदी भूल गई थी इस हिंदी स्टेटमेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट करना स्टैगर्ड इक्लिप्स एंड स्क्यू आपकी जो ये आपके सिलेबस में ये तीन ही कॉन्फर्मेशन हैं और अगर कॉन्फर्मेशन पे क्वेश्चन आया तो इन्हीं तीनों पे से आएगा इन्हीं के एनर्जी डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा तो अब इन तीनों कॉन्फर्मेशन को अच्छे से समझिएगा सबसे पहले आती है स्टैगर्ड स से स्टैगर्ड स से तो स्क्यू भी है तो स्क्यू को स्क्रू करो जरा से साइड में रखो स्टैगर्ड मतलब सिमिट्री स्टार्ड कन्फर्मेशन सबसे सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल यानी स्टेबल कन्फर्मेशन में से आती है वेयर द डाई हीड्रल एंग डाई हीड्रल एंगल डाई हीड्रल एंगल यानी इसका और दूसरे वाले कोई भी कार्बन का जो जो है, है उसके बीच के एंगल्स होते हैं वो होते हैं 180। अभी आप 60 और 300 पे ध्यान ना दें, नेक्स्ट दो पेजेस के बाद आपको समझ आएगा 60 और 300 कैसे यानी अगर ये वाली फॉर्म होगी कि एक सब्सटीटेंट दूसरे सब्सटीटेंट से एक कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन इतने एंगल पे है 180 डिग्री के एंगल पे है तो यानी स्टेबल है कोई एक दूसरे से कोई लड़ाई नहीं कर रहा है यू कैन क्लियरली सी इट इज दी मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इथेन इसे बोलेंगे स्टैगर्ड एक मतलब ग्रहण ग्रहण क्या होता है जब आपके सूरज के आगे चांद या चांद के आगे सूरज सूरज की बाहों में

हु ऑल विल बी आंसरिंग इट फास्टर जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा वट इज द रोटेशनल बैरियर और वॉट इज कॉन्फर्मेशन एनर्जी फॉर द इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन टू गेट कन्वर्टेड इन टू स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन क्या होगी इक्लिप्स के लिए 180 सौ अस्सी डिग्री व्हाट विल बी देंगल जिससे वो आपका रोटेशन बैरियर तोड़ देगी क्या था रोटेशन बैरियर वट वॉज कॉन्फर्मेशनल एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड बाय वन कॉन्फर्मर टू गेट कन्वर्टेड इंटू अ स्टेबल कन्फर्मर और यानी ये तो अनस्टेबल है इसको स्टेबल में जाने के लिए 180 का रोटेशन दिखाना पड़ेगा तो यानी 180 डिग्री विल बी बी करेक्ट आंसर अब आपको समझ आ गया व्हाट इज अ बैरियर रोटेशनल बैरियर और कॉन्फर्मेशनल एनर्जी जो आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती है जी बताइए आया समझ तो गुड लेट मी ड्रिंक सम वॉटर नेक्स्ट पेपर तो तुम्हारा लेट है ना तो अभी मैं अच्छे से सिखा सकती हूँ तुम्हें हम्म फिर कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस इस चीज़ को ध्यान से रखना ये जो डाटा बता रही हूँ ये भी याद कर लो अभी के अभी जो इथेन मॉलिक्यूल है वो कंटेन करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन मॉलिक्यूल के अंदर और उसमें तीन आइटम अटैच होते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम पोजिशन पे तो यानी जो आपकी कॉन्फर्मेशनल एनर्जी थी वो कितनी थी माइनस वन ट्वेल्व पॉइंट फाइव किलो जाउ मैंने आपको अस्सी डिग्री बताया इसने आपको साठ डिग्री बताया क्यों मैंने आपको 180 डिग्री की रोटेशन बताई इसने 60 डिग्री की रोटेशन बताई क्यों ध्यान से समझना अगर तुम्हें किसी चीज को अनस्टेबल से स्टेबल करना है 60 डिग्री लाने पे भी वही हो रहा है इसको 60 डिग्री घुमाना जरा इसको 60 डिग्री घुमाओगे इसको डिग्री घुमाओगे इसको 60 डिग्री घुमाओगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा कि नहीं तो क्यों मैं इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को ही 180 घुमा के नीचे लाऊं? तो बेवकूफ है इनको पता भी नहीं है ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये तीनों सेम है तीन पे घुमा दो बात एक ही है कि नहीं है तो इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही क्यों है अब समझ आया वहां पे क्यों लिखा था डाई एंगल आपका 60 डिग्री वेर आई वॉज सेम की यहाँ स्टैगर्ड और एक स्टैगर्ड के अंदर आपका 60 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है थ्री जबकि हमें लगता है कि स्टैगर्ड में तो एंगल एक सौ होना चाहिए क्यों इनके बीच का एंगल तो 60 डिग्री है ना 60 डिग्री होने के बावजूद भी तो ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसीलिए यहाँ पे आपका 60 डिग्री रोटेशन होगा तो 12.5 यानी 12.5 पॉइंट तुम्हें देने पड़ेंगे तब जाके इक्लिप्स से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इज इट क्लियर टू यू और नॉट बताओ आंसर याद रहेगा 12.5 एनर्जी है याद रखना 12.5 एनर्जी डाटा डायरेक्टली आपसे वहां पे पूछ लेगा <laughs> हाँ जी फिर ये लाइन देर आर ओनली थ्री एनर्जी मिनिमास दैट इज हैज थ्री कन्फर्मर्स अब वो तीन कन्फर्मर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ दीज आर दी थ्री कन्फर्मर्स जो आपको पढ़ने हैं सबसे पहला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे एक्लिप्स एक्लिप्स की एनर्जी सबसे हाई एनर्जी होती है कि नहीं होती है इन तीनों में इन तीनों में सबसे हाई एनर्जी दिखाता है बिकॉज अनस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ दिक हिंड्रेंस एक के पीछे एक के पीछे एक है तो इसकी हाइयर एनर्जी है 12.5 की राइट और नॉट अब अगर मैंने इसको 12.5 एनर्जी निकाल दी तो स्टेबल हो गया स्टेबल हो गया तो यानी कौन सी फॉर्म में आ गया स्टैगर्ड में आया कि नहीं तो कितना घुमाया बेटा मैंने जीरो डिग्री से सिक्सटी डिग्री पे लेके गई कि नहीं गई स्टैगर्ड फिर सिक्सटी डिग्री से मैं इसको घुमाती हूँ और ले आती हूँ वन ट्वेंटी तक यानी जीरो से सिक्सटी फिर सिक्सटी से और सिक्सटी घुमाओ तो ये हाइड्रोजन इसके पीछे ये हाइड्रोजन इसके पीछे ये हाइड्रोजन इसके पीछे एक फिर से में कन्वर्ट हो गया इक्लिप्स में फिर सिक्सटी डिग्री घुमाओ सिक्सटी डिग्री घुमाओगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ ये हाइड्रोजन यहां और ये हाइड्रोजन यहाँ तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया स्टैगर्ड में अगेन आई टोल्ड यू 180 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री और 300 डिग्री पे आपको क्या मिलती है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन जीरो डिग्री 120 डिग्री 240 डिग्री एंड 360 डिग्री पे आपको मिलती है इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन तो स्क्यू क्यू कॉन्फर्मेशन क्या होती है जब इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में कभी लाई कर जाए सिस्टम ये है आपका इक्लिप्स ये है आपका स्टैगर्ड तो यहाँ पे जब कभी कोई बीच में लाइक कर जाएगा तो उसको बोलेंगे स्क्यू कॉन्फर्मेशन जो कि आप यूजुअली कम पढ़ते हैं इतनी आपको आती नहीं है एग्जाम के अंदर बताइए क्या इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मज़ा आ रहा है स्टीरियो टफ तो नहीं लग रही है या लग रही थी पहले एनर्जी डायग्राम काफ़ी क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट आपको सर अच्छे से समझ आ जाए अगर आपको फिर भी चाहिए हो तो फिर बता देना ठीक है अब ब्यूटेन पे आ जाते हैं इसको लिख लो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम अदर देन जे लाइक आपका डब्ल्यू बी जे या बिट तो वहां तो सौ प्रतिशत ही आएगा उन लोगों का फेवरेट टॉपिक है ये कॉन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन अब अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तुम्हारे सामने तो ब्यूटेन को आप इसी तरह से बनाओगे ना एक दो तीन चार ब्यूटेन की एनालिसिस करोगे मान के चल लीजिए आपने इसको वन लिया और इसको टू लिया तो एक कार्बन पे एक सी एच थ्री और एक कार्बन पे एक सी एच थ्री आएगा अब सी एच थ्री सी एच थ्री अगर एक दूसरे के पीछे पीछे हैं तो एक सिक्सटी डिग्री पे घुमाया अब जो इसको बोलते हैं अब क्या मैं इसको एक जगह स्टैगर्ड फॉर्म बोल सकती हूँ ध्यान से जवाब देना मुझे एक क्या मैं इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोल सकती हूँ नहीं बोल सकती पहले जब मैं सात डिग्री घुमा रही थी तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन थे तो पता ही नहीं चलता था लेकिन अब इक्लिप्स कैसे हो गया सॉरी स्टैगर्ड कैसे हो गया स्टैगर्ड तो ये केस होगा कि नहीं जब सी एच थ्री के ऑपोजिट में सी एच थ्री आएगा तो यहाँ पे जो नई नाम आएगा इसका 60 डिग्री घुमाने में उसे बोलते हैं गॉच कॉन्फर्मेशन फिर आपने दोबारा 60 डिग्री घुमाया तो ये सी एच थ्री इस बार किसके पीछे आ गया हाइड्रोजन के पीछे आ गया तो इसको क्या बोलेंगे अगर एच के पीछे एच पकड़ा है अगर मेरे हाथ के पीछे मेरा हाथ चिपक रहा है तो ये प्रॉपर इक्लिप्स है क्योंकि ये कवर कर रहा है लेकिन अब इस बॉटल के आगे मेरा हाथ चिपक रहा है तो मेरा हाथ इस बॉटल को पूरी तरह घेर नहीं पा रहा ना सिमिलरली हाइड्रोजन सी एच थ्री को पूरी तरह घेर नहीं पा रही है अगर पूरी तरह नहीं घेर पा रही तो पूरी तरह ग्रहण नहीं लग रहा है यानी पार्शली एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन आ गई कि नहीं आ गई फिर सिक्सटी डिग्री और घुमाया और घुमाते ही मेरी एंटी कॉन्फर्मेशन अब स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे इसको जब आपने नाम ही बदल दिया तो सबका नामकरण बदला जाएगा और इसको बोला जाएगा एंटी कॉन्फर्मेशन सी एच थ्री के पीछे सी एच थ्री आ गया फिर सिक्सटी डिग्री घुमाओगे बैक टू पार्शली एंड देन बैक टू गॉच क्या आपको ये सारी कॉन्फर्मेशन समझ आई तो हम इनका एनर्जी प्रोफाइल पढ़ने जाते हैं फिर इसके बाद लेट मी नो इफ इट इज क्लियर टू यू बच्चा लोग गौच नहीं गौश हम तो इसे गौछ ही बोलेंगे ठीक है हम इसको गुची बोले हम इसको गौच बोले भैया देखो ये जहाँ पे भी डिक्शनरी बन रही है ये जहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं हमें इस मीटिंग में बुलाया नहीं जाता जिस मीटिंग में हमको नहीं बुलाते उस मीटिंग में हमें पता ही नहीं चलेगा अब जो है करण जौहर ने ऐसे इसकी अफवाहों का नाम इंग्लिश में कंजेक्चर बना दिया अब को... कौन सी मीटिंग में बता रहे हैं लोगों को भैया अभी अभिषेक अभिमुनु ने बोला था ना कौन सी मीटिंग होती है जिस मीटिंग में हमें नहीं बुलाया जाता जहाँ पे अलग ही प्रोनान्िएशन अपने आप शुरू कर देते हैं जो दिल को भाई वो प्रोनाउंसिएशन करो तुम्हें मेरी बात समझ आनी चाहिए बस जिस दिन बात समझ ना आए उस दिन बोलना कि दीदी -दी, बात समझ नहीं आई चलिए शुरू करें फिर इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को सबसे ज़्यादा आपको पता है कि किसकी एनर्जी होगी एक्लिप्स की एनर्जी जब सी एच थ्री के पीछे सी एच थ्री होगा सबसे ज़्यादा रिपल्शन तब हो रही होंगी कि नहीं तो यानी इस सिस्टम की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी फिर उससे कम एनर्जी सफर उसके बाद आपने 60 डिग्री घुमाया तो गौश सारी एनर्जी प्रोफाइल्स में से पहले तो ये बताओ सबसे स्टेबल कौन सा है सबसे स्टेबल आपका एंटी फॉर्म है कि नहीं है इफ़ यू कैन क्लियरली सी तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो आपकी है वो है आपकी एंटी फॉर्म क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन सबसे कम उससे कम स्टेबल आपका क्या है गॉच फॉर्म गॉच फॉर्म आपकी स्टेबल इसीलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई किसी के पीछे नहीं है कोई रिपल्शन नहीं है बिल्कुल परफेक्टली बैठे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सी होगी एक ठीक है फिर आपकी क्या है पार्शलीअलिग्स दोनों के दोनों ही अनस्टेबल है और सिमिलर लेवल पे अनस्टेबल है सबसे ज्यादा खराब उससे कम खराब पार्शलियक्लिप्स्ड फिर गॉच फिर सबसे बढ़िया एंटी सबसे ज्यादा खराब उससे कम खराब सबसे कम खराब और सबसे बढ़िया गॉटेड यानी एनर्जी सबसे ज्यादा हायर एनर्जी किस में होगी एक पार्शलिप्स्ट में फिर आपकी गॉच फॉर्म और सबसे स्टेबल आपकी एंटी फॉर्म ये आपका एनर्जी प्रोफाइल है जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। यस लेट मी नो इफ यू गॉट इट लेट मी नो इफ यू गॉट दिस थिंग क्लियरली और नॉट क्लियर है आगे बढ़े अगर आपको इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया तो बच्चा लो फिर आपका यहां पे आपके सामने आ गया एंटी वन लेग पार्शलिप लिख लो इंपॉर्टेंट तुमसे यही सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में एंटी के अंदर कितना एंगल होता है 180 डिग्री का एंगल एक के ऑपोजिट एक क्या कोई वहां पे टॉर्शनल एंगल स्ट्रेन होता है कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होता है क्या कोई वॉल स्ट्रेन होता है कोई वॉल स्ट्रेन नहीं होता है वॉल इंटरेक्शन क्या होती है जहां कोई इंटरेक्शन नहीं वहां वॉल अभी सारे दूर दूर हैं तो कोई वॉल इंटरेक्शन नहीं इसीलिए स्टेबिलिटी क्या होती है मैक्सिमम पार्शलियालिप्स में एक सौ बीस डिग्री का एंगल होता है कि नहीं होता है एंगल क्योंकि 60 घूम के आता है फिर 60 घूम के आता है तो टोटल 120 हो गया होता है टॉर्शनल स्ट्रेन गजब वाला होता है इक्लिप्स और पार्शली एक्लिप्स में गजब वाला टॉर्शनल स्ट्रेन होता है एंगल बढ़िया होता है रिपल्शन प्रेजेंट होती है कहाँ पर हाँ होती है ना सी के पीछे एच है तो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही होंगी इन दोनों में स्टेबिलिटी बेकार गॉश 60 डिग्री कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है दूर दूर है हाँ यहाँ पर आपका क्या हो जाता है वैंडर वॉल इंटरेक्शन हो जाता है क्यों क्योंकि अगर आप एंटी में जाओ तो सी एच थ्री सी एच थ्री कोने में है दुनिया के लेकिन अगर आप गॉश फॉर्म में चले गए तो सी एच थ्री सी एच थ्री सिक्सटी डिग्री के एंगल पे है तो सिक्सटी डिग्री पे तो भगवान मिल ही जाएगा यानी वेंडर वॉल फोर्स तो मिल ही जाएगी तो इन दो सी एच थ्री के बीच में हल्की सी वेंडर वॉल इंटरेक्शन होती है इसीलिए गॉश थोड़ा सा कम स्टेबल होता है किससे आपके आपके एंटी फॉर्म से और सबसे खराब आपका फुल्ली एक्लिप्स आई गेस मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से कॉन्फर्मेशन एनालिसिस तो समझा ही दिया है अगर कॉन्फर्मेशन एनालिसिस समझ आ गया हो तो बताइए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ मजा आना चाहिए देखो फील आनी चाहिए फील लिया करो फील ना बहुत कम जगह मिलती है दुनिया में कहा जहाँ मिले वो ले लेनी चाहिए अच्छा इसके अलावा भी आपके सिलेबस में एक, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जहां पे आपसे एक सवाल पूछा गया था वन टू डाई ब्रोमो इथेन का एक सेकेंड एक बार आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन टू वन टू ब्रोमो इथेन एक तो ये आया था आपके पास इसमें आपको बताना था सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सी है एंड एक बार आपके पास आया था वन टू डाई हाइड्रोक्सी ठीक है डाई हाइड्रोक्सी इथेन ये दो सवाल आए थे इन दोनों सवालों का जवाब अभी आप दे रहे हैं अगर मैं वन टू डाई ब्रोमो इथेन बनाऊँ तो आपके पास पहले कार्बन पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन इथेन है ना फिर उल्टा हुआ है और यहाँ पे ये मेरे हिसाब से तो तुम्हारे हिसाब से तो सबसे स्टेबल यही होनी चाहिए कि नहीं क्योंकि बी आर बी आर के ऑपोजिट है एच एच के ऑपोजिट है और एच एच के ऑपोजिट है तो क्या ये बेस्ट कॉन्फर्मेशन हुई कि नहीं हुई तो यानी इसका आंसर आप पेपर के अंदर एंटी मार्क करके आने वाले थे कि नहीं करके आने वाले थे एंटी आएगा इसका आंसर कि नहीं होगा इसका आंसर एंटी कॉन्फर्मेशन होगा क्योंकि एंगल आपको पता ही है लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी ओ एच ओ एच के केस की तो पता है इसमें कौन सा सबसे स्टेबल होगा आपका गौश फॉर्म सबसे स्टेबल होगा ऐसा क्यों होगा गौश फॉर्म में यहाँ पे आपकी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी लेकिन अगर आप मैडम आप ओ को पीछे ओ के ले लेते हैं इक्लिप्स फॉर्म सबसे बेस्ट यहाँ पे तो बिल्कुल प्यार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और रिपल्शन भी होगा मुझे खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए तो वो खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी यहां पे कहां मिल रही थी इस गौश फॉर्म में मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से आपकी एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आती और ये आपकी एंटी को भी क्रॉस कर जाती स्टेबिलिटी में तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन आपकी हो जाएगी यहां पे कौन सी गौश कॉन्फर्मेशन एंड वन टू हाइड्रोक्सी इथेन बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इज इट क्लियर टू यू और नॉट रिपल्शन गॉश अगर कॉन्फर्मेशन एनालिसिस समझ आ गया हो तो कैन वी मूव फॉरवर्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड एक सेकेंड बच्चा कोई इशू आ रहा है क्या YouTube पे इज देर एनी वॉइस ब्रेकिंग इज़र एनी वॉइस ब्रेकिंग कोई भी एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको अच्छे से फिर ठीक है ये फिर क्यों कॉल कर रहे हैं ऑफिस से चलो आगे बढ़े बच्चा बड़ लो। जल्दी बताएंगे अगर आपको ये पॉइंट समझ आए वैसे मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाना चाह रही थी बट तुम्हें थोड़ा सा एक फील देने के लिए कल इसके क्वेश्चंस भी होंगे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अब हम स्टीरियो की तरफ बढ़ रहे हैं कॉन्फर्मेशन में बस इतना ही पार्ट था एक आपका साइक्लोहेक्सेन है आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म फ्रॉम एक बार तुम लोग भी कन्फर्म करके आना अगर है तो मुझे कल बताना कि जो इसकी बोट हाफ चेयर एक्लिप्सड फॉर्म थी साइक्लोहेक्सेन की क्या वो आपके सिलेबस के अंदर है कि नहीं है अगर है तो मुझे बता दीजिएगा फिर आपका कॉन्फर्मेशन का यही पार्ट रह गया है मैं आपको ये पार्ट भी कॉन्फर्मेशन एनालिसिस का करवा दूंगी अभी लेट्स मूव टू तो स्टीरियो केमिस्ट्री जल्दी बताएंगे ठीक है चलो लेट्स मूव टू स्टीरियो केमिस्ट्री फिर अगर अच्छे से समझ आ गया आपको अब करते हैं जिंदगी के रंगों की शुरुआत रंगों के साथ दैट इज योर स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छा स्टीरियो केमिस्ट्री कहती क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री ने आपको सिर्फ एक ही सवाल बोला क्या अगर आपका मोलिकुलर फॉर्मूला कभी सेम है और आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है लेकिन आपका स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशनल फॉर्मूला अलग है जो अभी बताया सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अगर आपकी अलग है तो आपकी स्टीरियोकेमिकल कॉन्फर्मेशन अलग है तो इसी को क्या बोलेंगे स्टीरियो केमिकल आपका फॉर्मूला डिफरेंट हो गया बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ध्यान से समझना कैसे अब इस चीज को समझना अब मैं आपको बताती हूँ हाउ कॉन्फर्मेशन आर डिफरेंट फ्रॉम स्टीरियो इस चीज को समझना यहाँ पे आपके सामने था एक सिस्टम ये दो सिस्टम बनाए मैंने ठीक है अगर यहाँ लिया मैंने D ये लिया मैंने H ये लिया मैंने H ये लिया मैंने D ये कार्बन कार्बन सिस्टम थे D D H H आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ क्या ये आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे पहले तो मुझे इतना सवाल आप बता दीजिए उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और मुझे सिर्फ इतना जानना है विल दे बी शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दिखाने का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम लाइट को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रही हो और वो कब करती है जब वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट करती है अगर मैं इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर पा रही हूं तो यानी ये घूम पा रहा है यानी ये लाइट को कभी डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाएगा तो कभी डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाएगा जब मैं इसके अंदर प्लेन पोलराइज लाइट डालूंगी इसी को क्या बोलेंगे ऑप्टिकल ऑप्टिकल मतलब लाइट लाइट की तरफ अपनी आइसोमेरिज्म दिखाना आई वॉन्ट यू टू नो क्या ये सिस्टम ए आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा नहीं दिखाएगा क्यों ये है दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप एक बात सुनो अगर आप डबल बॉन्ड के अलोंग कोई चीज लगाते हो ए बी लेट अस सपोज बी ए तो अब आप इनको यहाँ पे डबल बॉन्ड ने आपकी रोटेशन को रोक रखा होता है तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे है, सोचते हैं ऐसे ए को बी से घुमाओ बी को एक बेटे ऐसा कभी नहीं घूमता ये जिंदगी में ऐसे ही रहता है ट्रांस ट्रांस ही रहेगा वो तो ट्रां यहाँ पे जोमेट्रिकली ऐसे भी एक स्ट्रक्चर आपको धरती में मिल गया तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे का ट्रांसिस बोल दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर सकती हूँ और सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकती हूँ ट्रांस ट्रांस है सिस सिस है ये दोनों मिले तो मैंने इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना दी लड़की लड़की है लड़का लड़का है लड़की को लड़के में लड़के को लड़की में नहीं बदल रही मैं ठीक है, इस बॉन्ड no था इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है रोटेट करोगे तो ये ऊपर का ट्राइंगल नीचे में घुस जाएगा ऐसे थोड़ी पॉसिबल होता है रोटेशन स्टेरिकली हिंडर्ड है आपका ये सिस्टम इसे आप नहीं घुमा सकते एंगल स्ट्रेन सिस्टम नहीं घुमा सकते तो यानी ये फिक्स है कि जो यहाँ पे जो एरियल डिस्टेंस होगा एरियल डिस्टेंस क्या बोलते हैं एक कार्बन और दूसरे कार्बन के सब्सटीट्यूंट सिमिलर सब्सिट्यूएंट्स के बीच के डिस्टेंस को एक बार आपका एरियल सब्सिट्यूएंट डिस्टेंस ज्यादा था एक बार आपका एरियल डिस्टेंस कम था तो यानी एक दूसरे के क्या हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक बार ट्रांस तो एक बार सिस क्योंकि ये दोनों को मैं इसको मैं ट्रांस को सिस नहीं बना सकती इस सिस को ट्रांस नहीं बना सकती यानी मैं इसको रोटेट नहीं कर सकती रोटेट नहीं कर सकती तो मैं

आप उसे घुमा के पीछे भी ला सकते हो पीछे से आगे भी ला सकते हो तो ये जो इसका दूसरा कन्फर्मर मैं बनाऊंगी वो जो कि इस तरह वाला होगा जिसमें डी पीछे होगा और एच आगे होगा ये एक दूसरे के जोमेट्रिकल आइसोमर्स थोड़ी हुए ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए यानी ये लाइट को राइट लेफ्ट जैसे घुमाना चाहो वैसे घुमा सकते हैं किस किस को समझ आया वट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि पहले ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है तब तो तुम बड़े बड़े इनश्यूमर्स या डायास्टीरियोमर्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो <laughs> नहीं ट्रांस इससे नहीं आया ट्रांस स्टेबल होता है इसलिए वी वॉन्ट टू टेक तो दैट पर्टिकुलर केस अब धरती में गोल्ड है लेट सपोज तुम्हारे को एक माइन में एक गोल्ड मिल रहा है एक माइन में एक गोल्ड मिल रहा है तो तुम कहोगे मुझे ये वाला गोल्ड चाहिए क्योंकि स्टेबल है बस इतनी बात है सिस को ट्रांस में कन्वर्ट नहीं करना है हमने ट्रांस कॉन्फर्मेशन को चूज करना है ओवर सिस समझे किस किस को समझ आ गया समझे तो बढ़िया नहीं समझे तो कोई बात नहीं कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई ठीक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गई जहां पर भी रोटेशन पॉसिबल है वहां पे कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और जहां रोटेशन पॉसिबल नहीं है वहां पे हमेशा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा इज इट क्लियर टू यू और नॉट ठीक है चलिए फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे एक सवाल पूछती जाती हूँ आप बताते जाइएगा किस किस में जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ये है आपके पास मैं सिस्टम दे रही हूँ ए ये आपका ए बी सी डी फिर आपका से ए बी सी और डी कितने केसेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है जल्दी बताएंगे सारे चलिए बताइए करते जाइए सॉल्व ये ब्यूटाइल लगाया हुआ मैंने ये ब्यूटाइल ग्रुप है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप चलिए बताइए फटाफट से सवाल बना दिया मैंने आपके सामने नाउ आई वांट टू सी कितने लोगों को समझ आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पहला मुझे बताएंगे फटाफट ए है कि नहीं है यस yes, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा फिर बी है कि नहीं है हाँ जी आपका बी भी है क्योंकि ए और ए ट्रांस है ए और ए ट्रांस है यहाँ पे आपको इसका अलग केसी मिल जाएगा कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है लोन पेरज अगेंस्ट बी चारों चीज़ें अलग यहाँ पे भी हो जाएगा हाँ जी ये लोन पेयर लोन पेयर भी आपके कहा पार्टिसिपेट करते हैं जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं सिस है ये वैसे भी अब इसके बाद रिंग का पॉसिबल होता है अगर इस केस में आऊँ तो जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है नहीं है बेटा यहाँ दोनों सेम है कि नहीं है एक कार्बन पर अगर सेम है तो एक तरह से ये रोटेशन ही तो हुई हमें तो पता ही नहीं चलेगा रोटेशन हो रही है कि नहीं रोटेशन होना ना होना कब पता चलती है अगर ऊपर वाला अलग हो और नीचे वाला अलग हो अब रोटेट होगा तो हमें पता चल जाएगा ना सी एच थ्री नीचे आ गया भैया आप पता ही नहीं है रोटेट हुए होंगे कि नहीं होंगे क्योंकि अगर रोटेट हुए तब भी सेम ही दिखेंगे कि नहीं एक कार्बन पे अगर सेम सब्सिटेंट आ रहे हैं तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता दूसरी कंडीशन टू शो टू नॉट टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहली क्या थी आपकी ब्लॉक्ड रोटेशन कि आप रोटेशन को ही ब्लॉक कर दो बात ही खत्म हो गई दूसरी कंडीशन मैंने आपको अभी ये बता दी क्या सबको आई कि समझ के नहीं फिर सबको लगा पेपर के अंदर कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा गलत यहां पे सब हो गए आउट क्योंकि जो आपका टर्ट ब्यूटाइल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और स्टेरिकली हिंडर्ड है तो मैं ना चाह के अगर यहाँ हाइड्रोजन भी ना तब भी यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल है तो रूम टेम्परेचर पे आपका सिस फॉर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और अगर किसी चीज़ की सिस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती धरती में केवल इसकी ट्रांसफॉर्म ही मिलती है तो फिर ये ट्रांसफॉर्म थोड़ी हुई बस ये सिस्टम आपका सिस्टम ही हुआ कि नहीं हुआ देर इज़ नो सिस फॉर्म कहीं पर दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है और अगर कहीं दुनिया में इसकी सिस फॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बन जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के जब लड़की ही नहीं है दुनिया में केवल लड़का ही है तो फिर लड़का लड़की ऑपोजिट हुए क्या इज इट क्लियर टू यू और नॉट किस किस को समझ आ गया क्या फर्क पड़ता है बी फॉर आई बॉम्बे चलिए, बात समझ की नहीं आई गेस आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब आप अच्छे से कभी भी बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे करते हैं एक और सवाल यह भी बता दीजिए इन दोनों में से कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है एक ये स्ट्रक्चर है प्रीवियस क्वेश्चन नीट का है ये बताइए फटाफट फड़ ए और बी में से कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है कल कल हम आगे बढ़ेंगे कल हम आगे बढ़ेंगे आपके किसके ऊपर साइक्लोहेक्सेन सिस्टम के ऊपर कल मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी इसी चैप्टर में एक इनशोमर्स डायास्टीरियोमर्स ठीक है इनाशियो क्या होते हैं डायास्टीरियो क्या होते हैं आपकी अगर आपने मुझे कल तक कंफर्म कर दिया कि आपके सिलेबस में अगर है बोट आ, बोट फॉर्म और आपकी चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्जेन तो वो करेंगे और साथ में हम करेंगे मीज़ो फॉर्म भी ठीक है जल्दी से आंसर बताओ बी है बिल्कुल सही जवाब रीज़न बींग क्योंकि यहाँ पे इस सब्सिटूंट पे ये दोनों के दोनों सेम है ये दोनों के दोनों सेम है कि नहीं है यहाँ पे ये यह आपका ऊपर वाला सिस्टम अलग था कि नहीं था तो यानी इट कैन बी क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड कि अगली बार अगर आपको धरती में कोई ऐसा सिस्टम मिला जहाँ पे फिनाइल इज गोइंग टू बी ऑन द सेम साइड ऑफ दिस तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं जोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं क्या फाइनली इज इट क्लियर आज का सेशन आपको समझ आया कि नहीं आया मजा आया आज के सेशन में पहले अगर मजा आया ना तो मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन और अब मुझे बताओ तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर कैसा गया जेन्यूनली आई रियली वॉन्ट टू नो आपका बोर्ड्स का एग्जाम कैसा गया वॉज इट टफ वॉज इट इजी लाइक कर दो यार फिर सेशन को लाइक करने में तो, तो मैं लाइक like करते हुए रोता नहीं रोना नहीं चाहिए बस ये बोलूँगी मैं एक बात देखो इतनी मेहनत से पढ़े हैं हम और तुम्हें जो कभी जिंदगी में नहीं लगता था कि तुम्हें कॉन्फर्मेशन कन्फर्मेशन समझ आएगा तुम्हें आ गया ना समझ बेसिकली इट्स अ डिफिकल्ट थिंग बट स्टिल यू अंडरस्टूड अब कभी घमंड नहीं किया हमने अपनी नॉलेज पे वट यू मजे से करा करो क्योंकि मुझे मुझे, इस, मुझे इतना पता है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हुए मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ अपनी तरफ से आई एम गिविंग माई बेस्ट टू यू मुझे बहुत मजा आ रहा है एंड तुम इस चीज का भरपूर फायदा उठाओ कि तुम्हें इतना सब कुछ क्लियरली दिख रहा है तो मेक श्योर यू यूज यू इट इससे सारी स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से समझ लो कॉन्स ऑफ हैविंग अ क्लमजी टीचर जल्दी बताएंगे कोई दिक्कत अगर नहीं है तो फिर हम रात को दस बजे मिले स्पेशल लाइव क्लास है हमारी दस बजे इट्स अ वेरी गुड क्लास दस बजे हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी सुपर डुपर फन रात को दस बजे यानी कि पी पे विल बी स्टार्टिंग कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से करते हैं क्योंकि एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगी टॉपिक वाइज चलेंगे क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेंगे, यानी आइसोमेरिज्म के अलग क्वेश्चन होंगे बीबीटी के अलग क्वेश्चन होंगे सी के अलग क्वेश्चन होंगे लेकिन होंगे केवल क्वेश्चन ही एक्सप्लेनेशन सारी क्वेश्चन के थ्रू ही होगी तो आपका पूरा चैप्टर रिविजन क्वेश्चन के थ्रू ही होगा ठीक है चलो क्लियर हुआ तो बढ़िया